आज हम समानता की बात करते हैं, पर जाति, धर्म और लिंग की असमानता मुंबई में आम देखने को मिलती है। मुंबई शहर में गौतम नगर बस्ती में महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें समाज ने मौका ही नहीं दिया गया आगे बढ़ने का। लेकिन आज परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है। इधर आने से सब मालूम है, कैसा करने का, क्या करने का, कहाँ जाने का। मैं जब से बचत गट में आई हूँ, मेरी अध्यक्ष सेल्वी मैडम, उषा मैडम, इन लोग हमको कॉपरेट करते कोई भी बात पे। पहले मेरे हस्बैंड मेरे को घर के बाहर निकलने नहीं देते थे। मैंने अपना संस्था 1.5 साल हो गया है, दलित सेवा संघ अपने संस्था को नाम रखा है मैंने। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम ने हमारे औरतों के लिए बहुत सारा कुछ रखा है, लेकिन हमारे तले को पहुँचता नहीं है, क्योंकि रास्ता किसी को मालूम नहीं। हर कोई तो अपने घर में लेके जाके देगा नहीं, गवर्नमेंट वहाँ तलब पहुँच के लाना पड़ता है। वो लाने का काम जो है हम औरतें ही कर सकते हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे नहीं तो हमको कैसा पता चलेगा। इस वजह से संस्था के माध्यम से हम लेडीज़ को सीख देते, उनको बाहर निकालते, उनके गढ़ बनाते, उनके गढ़ के थ्रू से उनकी पूरी परिवार को चलाने का उनको सीख देते। ऐसे ही गैर सरकारी NGO का सहारा लेकर हमारी बस्ती की महिलाएं आगे बढ़ रही है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बदलाव ला रही है। मुझे लगता है कि आज जो हम समानता की बात करते हैं, वो समानता जरूर स्थापित होगी। मुंबई से अमरलाल जरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।